दिक्कत ये नहीं है कि युवा परेशान है, दिक्कत है कि भाई युवा मर रहा है। भर्तियों के डंके इतने जोर शोर से मच रहे हैं पर कहीं दिख नहीं रही है ना भर्तियां, और जिम्मेदार हम किसे ठहराए, कौन लेगा इसकी जवाबदेही। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पे। आफ्टर इलेक्शन, जैसे ही 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार ये अपडेट दी जा रही है कि बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, नया शिक्षा आयोग बन रहा है, बड़ी भर्तियां स्पेशली अगर मैं बात करूँ एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा विभाग में, तो देखने के लिए मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ ऐसी खबर आ रही है जिन खबर को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, और जिन खबर को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि कैसे अगर ये चीज सही है तो फिर भर्तियां कहां से आएंगी, जॉब वैकेंसीज कहां से क्रिएट होंगी। तो चलिए इस चीज के बारे में विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, और आप लोगों का जो भी कमेंट हो वो जरूर आप लोग मेरे साथ शेयर कर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 408 परिषदीय विद्यालय जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले की मैं बात कर रही हूँ जहां पर 408 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? सीधे सीधे गवर्नमेंट कहती है कि जहां पर स्टूडेंट जो हैं वो 50 से कम रहने वाले हैं, परिषदीय विद्यालय में बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है, सरकारी स्कूल में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ऐसे में जिन स्कूल में 50 से कम है एनरोलमेंट उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और आसपास के जो स्कूल है उनमें मर्ज कर दिया जाएगा। अगर टोटल उस जिले की, फतेहपुर जिले की मैं बात करूं तो 2122 स्कूल है जहां पर ऐसे स्कूल 353 हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं। तो अगर 49 भी बच्चे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो स्कूल, पास का जो स्कूल होगा उसमें उसे तब्दील करके उस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा, और जो वहां के टीचर होंगे उनको भी स्टूडेंट टीचर रेशियो के हिसाब से आसपास के स्कूल में समाहित कर दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि आखिर स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है, तो 30 बच्चों पर एक टीचर और 60 बच्चों पर दो टीचर, 90 पे 3, इस तरीके से 30:1 का रेशियो जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलता है। अगर 60 बच्चे हैं तो आपके स्कूल में 2 ही टीचर होंगे, क्लासेस चाहे कितनी हो सकती हैं, 5 क्लासेस तक का स्कूल है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 टीचर होंगे। और जो सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं, निरंतर इन सुविधाओं में सुधार हो रहा है, परंतु अगर ये मान के चले कि 2 टीचर 5 क्लासेस और जो भी जिस भी अभाव से जो चीजें सुधर रही हैं, जबरदस्त कायाकल्प हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम इन सरकारी स्कूलों में हो रहा है, बट स्टिल बच्चों का नामांकन जो है स्कूलों में कम है, पहले की अपेक्षा यह नामांकन रेट बढ़ने लगा है, ऐसे में जो संपन्न गांव हैं, जो संपन्न इलाके हैं, वहां के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे, गरीब से गरीब माँ बाप चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चला जाए, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने चले जाए। सरकारी स्कूल में जब नामांकन नहीं है तो उस पर्टिकुलर स्कूल पे बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो मैंने खुद देखे हैं जिनमें 4 बच्चे हैं और 5 टीचर है, तो वहां 5 टीचर्स की सैलरी सोच के देखिए कितनी सैलरी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि जो स्कूल जहां पर स्टूडेंट ज्यादा है और टीचर कम है उस रेशियो को बैलेंस करने के लिए इन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए बाकी स्कूलों के साथ और स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ऐसे में स्थिति क्या बनेगी, इसकी सूची मांगी गई है हर जिले में जहां पर 50 से कम स्टूडेंट्स हैं उन स्कूलों को मर्ज किया जाए। मर्जर का एक रूप पहले ही हम लोग देख चुके हैं जहां पर कंपोजिट विद्यालय बनाए गए थे, जहां पर एक ही प्रांगण, एक ही एरिया के अंदर 1 to 5th और 6 to 8th स्कूल चल रहा है, उसको कंबाइन कंपोजिट स्कूल बना दिया गया, एक ही स्कूल बना दिया गया, एक ही स्कूल कंसिडर्ड करके वहां पे जॉब वैकेंसीज को माना जाने लगा, वहां पर छात्र और जो शिक्षक का अनुपात है उसको एक स्कूल करके माना जाने लगा। बल्कि पहले अलग अलग था, प्राइमरी स्कूल अलग थे 1 to 5th तक के, जूनियर स्कूल अलग थे 6 to 8th तक के, जो कि अब भी चल रहे हैं, पर जहां पर दोनों एक ही प्रांगण में, एक ही एरिया में चल रहे हैं, उन दोनों को मर्ज करके कंपोजिट स्कूल बना दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइमरी का जो हेड टीचर था उसकी पोस्ट खत्म हो गई, जो जूनियर का हेड होगा वही पूरे स्कूल का हेड होगा, यानी एक वैकेंसी यहाँ पर सीधे सीधे बड़े तादाद में लंबे समय से कम हो गई, और इसकी वजह से जो प्राइमरी के टीचर्स हैं उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। अब जो ये वाली कंडीशन आ रही है कि पास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा और स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, एक बड़ी संख्या है कि इतनी बड़ी संख्या पे आप देखेंगे जिलेवार ये सूची बताई जा रही है जहां पे बताया जा रहा है नजदीकी स्कूलों में समायोजित होंगे बच्चे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सोच के देखिए कि कैसे होगा।
और वैकेंसीज कहाँ से आएंगी जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे, उस जिले में उतनी स्कूल ही नहीं रहेंगे और स्टूडेंट टीचर के रेशियो को बैलेंस किया जा रहा है बाकी टीचर्स को वहां भेज के, तो अननेसेसरीली गवर्नमेंट क्यों वैकेंसीज क्रिएट करेगी, कितनी कम वैकेंसीज क्रिएट करेगी? क्या ऐसे सुधार हो सकते हैं कि इन्हीं स्कूलों को उतना अपलिफ्ट किया जाए? क्यों पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में चला जाए, नवोदय में उसका एडमिशन हो जाए, वो भी तो सरकारी स्कूल में? मारा मारी लगी रहती है उन स्कूलों में एडमिशंस के लिए, लाइन लगी रहती है उन स्कूलों में एडमिशन के लिए, सेंट्रल लेवल के वो स्कूल होते हैं, फुल फैसिलिटीज, टीचर्स सेम एग्जाम क्वालिफाई करके लग रहे हैं, वही ट्रेंड टीचर्स होते हैं जो इन प्राइमरी स्कूलों में होते हैं, बट क्या डिफरेंस है कि वो पेरेंट्स इनमें एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है बट उन स्कूलों में तैयार है, पढ़ाना चाहते हैं, जद्दोजहद है, एंट्रेंस दिलाने के लिए तैयार है, लॉटरी सिस्टम को फेस करने के लिए तैयार है, तो क्या ऐसे सुधार जो है वो अपेक्षित नहीं कर सकते हम गवर्नमेंट से, जिनसे ये स्कूल बचाए जा सके, जो शिक्षक के पद हैं वो बचे रह सके? क्योंकि शफलिंग से टीचर्स को भी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है उस जिले की वैकेंसीज ही फुल हो जाए और टीचर्स एक जिले से दूसरे जिले में भी भेजे जाने शुरू हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने के लिए मिल सकती है। आप लोगों की राय प्रतिक्रिया क्या है इस चीज को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, आपके कमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी जो निरंतर सुधार हो रहे परिषदीय विद्यालयों में वो वाकई में काबिले तारीफ है। पिछले कई सालों की अगर मैं पैरामीटर्स देखूं तो जो पिछले 5-7 साल में बेसिक स्कूलों में ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है, इसको और बेहतर किया जा सकता है और इस मर्जर को रोका जा सकता है, बच्चों के ड्रॉपआउट रेट को कम किया जा सकता है। आप लोगों की जो राय प्रतिक्रिया है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें, और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें, वीडियोस को देखते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।